हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों व हिमाचल में अन्य गुड़िया दरिंदगी की शिकार न हो इसकी शिकायत के लिए 1515 गुड़िया हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है। साथ ही शक्ति बटन ऐप को भी शुरू किया गया है। शक्ति बटन ऐप एवं हेल्पलाइन नंबर का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में अपने सरकारी निवास ऑक ओवर से शक्ति बटन ऐप एवं गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515 को लॉन्च किया। इसके साथ होशियार हेल्पलाइन नंबर 1090 भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर से मौके पर सहायता मिल सकेगी और अपराधों पर लगाम लगाने में खासकर महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए नंबर अहम भूमिका निभाएगा। इस ऐप पर हेल्पलाइन के जरिए जब भी शिकायत की जाएगी, शिकायत तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम एवं पुलिस अधिकारियों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के दृष्टि पत्र में जनता के साथ गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करने का जो वायदा था उसे पूरा किया गया है। जैसे ही कोई पीड़िता द्वारा बटन दबाया जाएगा तो ऑटो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, साथ ही लड़की की लोकेशन भी समझ में आएगी। कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले को जोरों शोरों से उठाते हुए भाजपा ने अपनी चुनावी दृष्टि पत्र में गुड़िया हेल्पलाइन को शुरू करने का वायदा किया था, जिसको सरकार बनने के एक माह पूरा होने पर आज पूरा किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने होशियार हेल्पलाइन भी शुरू की है जो कि 0190 होगी। को ठीक करने की दृष्टि से एक पहल करने की जो जरूरत थी उस दिशा में एक पहला ये कदम हुआ। तो ये साथ सर आपने एक महीना लगभग आपने 28 तारीख से 4 तारीख तक वहीं हूँ और कैबिनेट 3 तारीख को धर्मशाला में है और उसके बाद बाकी आप लोग अगर मिलना चाहते हैं तो आप आइए, वहाँ पर मिलेंगे आप ले जाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई है और बहुत सारी चीजें जो है वो पाइपलाइन में है और उस दिशा में जब आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते हैं। उपलब्ध एक भी हुई है, उसमें जांच चल रही है और उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। सर जिस तरह से बंधक्ष को समय पर मदद बाहर नहीं मिली है तो क्या ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे कोई मामले होते हैं तो उस पर जो संबंधित अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी? देखिए अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर अभी उसमें जांच का एक जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही होगी, आप निश्चिंत रहे। उसी के संदर्भ में माफिया राज को रोकने के लिए जो विभिन्न स्तर पर जो कार्रवाई करने के लिए वो भी योजना साथ साथ चल रही है। हमने गृह विभाग की जो होम डिपार्टमेंट पुलिस विभाग की जो एक बैठक की थी, रिव्यू बैठक, उसमें कुछ बातें कही हैं, उनका जिक्र करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में विशेष तौर से जो होशियार हेल्पलाइन है वो विशेष तौर से उसी काम के लिए, और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से बहुत चीज़ें ठीक होंगी। जैसे हमारे ये एक महीने का कार्यकाल, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के कामकाज के तरीकों को जो है उसको असेस करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन इनिशिएटिव्स में से हाँ मैं उस पर ही आ रहा था बात बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसमें खास तौर से हमने जो कैबिनेट के डिसीजन, मुझे लगता है कि वो तो उससे वाकिफ हैं, जो हमने एक इसमें एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक आय का साधन भी है, एक इंडस्ट्री है, ये इसको उठाना चाहिए। उस दृष्टि से अभी जो हमारी केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ तब भी हमने बहुत जोर से इसका जिक्र किया और उसके पश्चात जो प्री बजट मीटिंग थी अभी, और जिसमें प्री बजट मीटिंग के साथ साथ में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो हमारे जो इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, उस मीटिंग दोनों मीटिंग में हमने प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में खास तौर से इसके लिए हमने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। हमको 69 नेशनल हाईवे मिले हैं, उनमें हम तेज गति से आगे बढ़ने के लिए हमने तय कर दिया है, उसमें हमने निर्णय कर दिया है कि भाई हमारे महकमे के बारे में पुलिस विभाग के प्रति जो एक अविश्वास का माहौल इस प्रकार से खड़ा हुआ था, एक तो उस विश्वास को बहाल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में ये घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो उन बातों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने कहा कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को जो है उसका अपने आप को जोड़ेंगे। और उस दृष्टि से हमने कहा था कि गुड़िया हेल्पलाइन, होशियार हेल्पलाइन
और उसके साथ साथ में एक और हमने जो हमने विजन डॉक्यूमेंट में जिसका जिक्र किया था, शक्ति बटन का जिक्र किया था, तो इन तीनों चीजों का आज विधिवत यहाँ से विधिवत इनकी जो शुरुआत हुई, इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को स्पेशली जो है हमारे पुलिस विभाग के, अग्रह विभाग के और उनके साथ साथ में हमारे सारी अधिकारियों की जो सारी टीम इस काम में लगी थी उनने इसको अंजाम दिया, उनको मैं बधाई देता हूँ।